हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के मुख्य समाचार की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। शिवसेना एनसीपी सरकार को बाहर से समर्थन देगी कांग्रेस, आदित्य ठाकरे और एकनाथ शिंदे पहुंचे राजभवन। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर हुई बैठक में तय हुआ है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी सरकार को बाहर से समर्थन देगी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि शिवसेना को सपोर्ट करने को लेकर सोनिया गांधी के आवास पर बुलाई गई बैठक में महाराष्ट्र के कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के अलावा अहमद पटेल और एके एंटनी जैसे वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस बैठक में तय हुआ है कि कांग्रेस बाहर से समर्थन करेगी। इस फैसले को लेने से पहले सोनिया गांधी ने उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की। साथ ही सोनिया ने जयपुर में ठहरे हुए महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायकों से भी बातचीत की। दोस्तों इस बात से अब यह साफ हो जाता है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा या फिर शिवसेना का, यानी कि बीजेपी अब मैदान से बाहर हो चुकी है, अब शिवसेना और एनसीपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। अयोध्या केस, असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर AIMPLB और मुस्लिम पक्षकार ने जताया एतराज। जी हां दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अयोध्या भूमि विवाद पर फैसले के बाद ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर अयोध्या में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और बाबरी पक्षकार ने एतराज जताया है। AIMBLB के वरिष्ठ सदस्य मौलाना खालिद रसीद फिरंगी महली ने सोमवार को INS से कहा कि पूरे मुल्क में जिस तरह से इतना बड़ा फैसला आने के बावजूद किसी प्रकार की कोई वारदात नहीं हुई है, इससे संदेश मिलता है कि तमाम हिंदुस्तानी चाहते हैं कि अब मंदिर मस्जिद मुद्दे से आगे की बात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सदियों पुराना मसला खत्म कर दिया गया है। अब इस मुद्दे पर किसी राजनीतिक व्यक्ति की सियासत के लिए कोई जगह नहीं बची है। जिस प्रकार से आवाम द्वारा लगातार शांति बरकरार है, इससे उन लोगों को संदेश मिल गया होगा जो इस पर सियासत करते हैं। दोस्तों उन्होंने इस मामले में पुनर्विचार याचिका डाले जाने पर कहा कि अब इस मुद्दे को यहीं खत्म कर देना चाहिए, इसमें आगे अब जाना नहीं चाहिए। 5 एकड़ जमीन पर क्या होना चाहिए, इसका फैसला मुस्लिम वक्फ बोर्ड को करना है। 26 नवंबर को बोर्ड की बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों अंसारी ने आगे कहा कि हम खुद पक्षकार हैं, कोई क्या कह रहा है हम सुनते भी नहीं है। मैं पुनर्विचार याचिका नहीं डालूंगा। एक फैसला आने में 70 साल लग गए, जबकि सारे गवाह और सबूत हमने दिए। हम चाहेंगे कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि ओवैसी की बात न तो मुसलमान सुनते हैं और न ही हिंदू, उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। उन्होंने कहा कि भड़काऊ बयानबाजी करके वह माहौल खराब करना चाहते हैं, उनकी बातों को कोई वर्ग महत्व नहीं देता है। सभी लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। दिल्ली में प्रदूषण फिर से खतरनाक स्तर पर, हवा की कम रफ्तार बनी वजह। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी में अनुमान से कम चल रही हवा की वजह से राजधानी में प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ना शुरू हो गया है। मंगलवार को प्रदूषण का स्तर फिर से बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक रविवार को हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही, जबकि पहले 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की उम्मीद जताई जा रही थी। इसकी वजह से दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 दर्ज किया गया, जो कि पहले 283 था। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। अयोध्या, राम भक्तों के लिए खुशखबरी, इस तारीख से शुरू होगा भव्य मंदिर का निर्माण। जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अगले साल अप्रैल में रामनवमी से शुरू होने की संभावना है। 2020 में रामनवमी 2 अप्रैल को पड़ रही है और यह पर्व भगवान राम के जन्म का उत्सव है। विश्व हिंदू परिषद के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण शुरू करने के लिए इससे बेहतर कोई तिथि नहीं हो सकती। एक ट्रस्ट की स्थापना के लिए 3 महीने की समय सीमा फरवरी में समाप्त हो रही है, यानी कि दोस्तों राम मंदिर का निर्माण कार्य अगले साल 2020 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। प्याज की आवक बढ़ने के बावजूद थम नहीं रहे हैं दाम, दिल्ली में भाव भयंकर। जी हां दोस्तों, देश भर की मंडियों में प्याज की आपूर्ति बढ़ने की तमाम कोशिशों के बावजूद इसकी कीमतों में वृद्धि का सिलसिला जारी है। देश की राजधानी दिल्ली स्थित आजादपुर मंडी में सोमवार को प्याज की आवक में वृद्धि होने के बावजूद कीमत घटने के बजाय बढ़ गई। कारोबारियों ने बताया कि आजादपुर मंडी
मंडी में प्याज के थोक दाम में करीब 5 रुपए प्रति किलो यानी कि 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि दर्ज की गई है। दोस्तों बात करें खुदरा बाजार की, तो खुदरा बाजार में दिल्ली NCR में अभी भी प्याज की कीमतें 80 से 100 रुपए प्रति किलो पर है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का, वेदर अपडेट, मौसम समाचार। मौसम विभाग ने इन राज्यों में भारी बारिश की दी चेतावनी, जारी कर दिया येलो अलर्ट। जी दोस्तों, तो जाने आज के मौसम समाचार, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इन इलाकों के लिए IMD की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग लगातार इन इलाकों में मौसम के हालात पर नजर रख रहा है। वहीं दोस्तों बुलबुल तूफान के चलते बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों और बंगाल की खाड़ी में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं अगले 12 घंटों में मिजोरम, त्रिपुरा, नॉर्थ 24 परगना के इलाकों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से तेज हवाएं और तूफान चलने की संभावनाएं बताई जा रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का, पेट्रोल के दाम लगातार चौथे दिन बढ़े, डीजल का भाव हुआ कम। जानिए आज के पेट्रोल डीजल प्राइस। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल के दाम में सोमवार को लगातार चौथे दिन वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि डीजल के दाम में कटौती की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिली है। दोस्तों बात करें राष्ट्र राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 73.20 रुपए प्रति लीटर रही, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 65.85 रुपए प्रति लीटर रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, सोने चांदी की नई कीमतें जारी, जानिए आज के गोल्ड सिल्वर प्राइस। जी हां दोस्तों, हर रोज की तरह आज के भी सोने चांदी की कीमतें जान लेते हैं। दोस्तों सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोने की कीमतों में इजाफा हुआ है। सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 118 रुपए बढ़ गया और सोना अब 38,678 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों दूसरी ओर चांदी की कीमतों में 293 रुपए की तेजी आई है और चांदी अब 45,263 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का, अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार श्रीनगर से बारामूला के बीच दौड़ी रेल, लोगों ने ली राहत की सांस। जी हां दोस्तों, 3 महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद रेलवे ने कश्मीर में एक बार फिर रेल सेवा को शुरू कर दिया है। दोस्तों अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद सोमवार को पहली बार श्रीनगर से बारामूला के बीच रेलगाड़ी को चलाया गया। रेल सेवा बंद होने की वजह से रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, मगर सुरक्षा कारणों से रेल सेवा को बंद करना पड़ा। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अनुच्छेद 370 हटने के बाद रेलवे अधिकारियों ने सुरक्षा की दृष्टि से 5 अगस्त को जम्मू के बनिहाल से उत्तर कश्मीर के बारामूला तक चलने वाली रेल सेवा को बंद कर दिया था, इससे लोगों को भी काफी नुकसान हुआ। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का, असदुद्दीन ओवैसी के बाद अब सपा सांसद ने उठाए अयोध्या फैसले पर सवाल, कहा चाहिए थी मस्जिद। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बड़ा बयान दिया है। जी मीडिया से बातचीत में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हालात को देखते हुए फैसला सुनाया है, हम इस फैसले पर सब्र से काम लेंगे। दोस्तों शफीकुर रहमान बर्क ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन दिए जाने के आदेश पर एतराज जताया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अयोध्या में मस्जिद चाहिए थी, ना कि वहां पर जमीन। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को यह भीख की जमीन नहीं चाहिए। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का, बड़ी फीस को लेकर सड़क पर उतरे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र, पुलिस से भिड़त। जी हां दोस्तों, फीस वृद्धि को लेकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रदर्शन के दौरान महिला पुलिसकर्मियों ने छात्रों को हटाने की कोशिश की। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र बढ़ी हुई फीस का लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। हाल ही में JNU के हॉस्टल में नया मैनुअल जारी किया गया है, इसके बाद सोमवार सुबह को छात्रों ने इसका उग्र विरोध शुरू कर दिया। इससे पहले छात्रों और पुलिस के बीच धक्का
हॉकी का वीडियो भी सामने आया था। विश्वविद्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने पीछे हटाने की कोशिश की। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, छात्र नए हॉस्टल मैनुअल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि इस मैनुअल में हॉस्टल की फीस को कई गुना बढ़ा दिया गया है। दोस्तों छात्रों का कहना है कि पिछले इलाकों और गरीब परिवार के छात्र यहां पढ़ने आते हैं, ऐसे में खाना पीना और रहना सब महंगा हो जाएगा। छात्र खर्च न दे पाने के चलते पढ़ाई छोड़ देंगे। छात्रों का कहना है कि जेएनयू प्रबंधन के इसी तानाशाही फैसले के विरोध में वे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का राष्ट्रीय खेल यानी कि नेशनल स्पोर्ट कौन सा है? अगर दोस्तों आप जानते हैं भारत के राष्ट्रीय खेल का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख दीजिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन लिए जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।